अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मुसर। आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू एस आर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो हाउ टू मेक अ एडवांस एंड एजेक्स बेस्ड सर्च इन वू कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, वू कॉमर्स ई कॉमर्स के अंदर हम अच्छी सी एक सर्च कैसे बना सकते हैं एक प्लगइन की मदद से। तो दोस्तों उस प्लगइन का नाम है फीबो सर्च। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो बेसिक सी सर्च थी। ठीक है, इसकी ये काफ़ी एडवांस है और ये आपकी वेबसाइट की यूआई पे काफ़ी अच्छा सूट करेगा ये। ठीक है जी, और इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो मैं ये फीबो सर्च का नाम है इसका, एजेक्स सर्च फॉर वूकॉमर्स प्लगइन का पूरा नाम है। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी किया हुआ, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। इसके फायदे देखते हैं कि आगे इसके फायदे क्या क्या हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया मुझे लेके। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग किया। स्टार्टिंग ये नॉर्मल, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं अपने सर्च बार से, तो अभी सर्च बार कैसा आ रहा है देखते हैं हम। अभी ये सर्च बार ऐसा आ रहा है, सही है जी, जो नॉर्मल डिफॉल्ट आता है इसका, सही है डिफॉल्ट। अभी कुछ काम नहीं कर रहा, हम इसका सर्च रिप्लेस करते हैं, जो उस प्लगइन का सर्च है वो यूज करते हैं। नॉर्मली ये कर रहा है कि ये हम ये भी कर सकते हैं, ये सर्च हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसने शॉर्ट कोड दिया हुआ है इसका, ये पीएचपी फंक्शन के थ्रू कॉल कराना है शॉर्ट कोड को, वो करा सकते हैं आप। और मेन्यू स्क्रीन में जाके यानी यहाँ भी ये सर्च को आप कॉल करा सकते हैं। इसमें यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ऐड करने का ऑप्शन, यानी कि मेन्यू बार के अंदर। मुझे ऑलरेडी ये ऐड नहीं करना है कि ऑलरेडी ऐड हुआ है, इसलिए मैं दोबारा ऐड नहीं करूँगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस देम को मैंने सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। तो हम देखते हैं हमारा सर्च चेंज होता है कि नहीं होता। मैंने रिफ्रेश किया वेबसाइट को और ये देखिए हमारा सर्च चेंज हो गया है, सही है जी। अब मैं आता हूँ सर्च बार की तरफ आता हूँ। सर्च बार में ये किस इस तरह सर्च आएगा हमारे पास, जिस तरह ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं एडवांस सेटिंग भी इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये इसमें बेसिक आ रहे हैं। मैं एडवांस सेटिंग इनेबल करूँगा तो कुछ ऑप्शंस और आ गए इसमें। ठीक है, लिमिट जो है नंबर ऑफ सजेशन की से 7 है, मैं 10 कर देता हूँ, सही है जी। और जैसे यहाँ पे देखिए लेआउट दिखा रहा है पूरा। अब प्रोडक्ट इमेज भी दिखानी है मुझे, सही है। मैं देखता हूँ उसके अंदर पहले वहाँ पर डिफॉल्ट आ कैसे रहा है, फिर से मजीद चीज़ और ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ रिफ्रेश करता हूँ उसको, और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मग, सही है जी। मग लिखा तो मग की एक ही प्रोडक्ट है, मग इसमें सर्च नहीं कर रहा। मैं और सेटिंग से मैं इनेबल कर लेता हूँ। प्राइस इनेबल कर ली, डिस्क्रिप्शन इनेबल कर ली इसमें, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें शो एस क्यू भी इनेबल कर लिया, इमेज कैटेगरी सारी चीज़ें इसमें इनेबल कर ली, ठीक है जी। ये डिटेल पैनल भी इनेबल कर लिया मैंने, सारी चीज़ें इसमें कर ली। अब आगे बढ़ता हूँ और रिफ्रेश किए, देखिए हमारा मग इसमें इसने सर्च कर लिया, तो थोड़ा लोड ले रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं अब सर्च का लेआउट कैसा आता है हमारे पास। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब मैं लिखता हूँ टी शर्ट लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए शर्ट लिखा मैंने, कैटेगरी पे होवर किया, इसकी कैटेगरी के अंदर जो शर्ट्स की जो प्रोडक्ट्स की ना वो सारी आ गई। ये देख रहे हैं आप कैसे बेहतरीन लेआउट आ गया, यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर उसके लेआउट आ रहा है सर्च के अंदर, वो भी ऑटो सजेशन में, ठीक है जी। और इसके अंदर मजीद हम ऑप्शन पे आते हैं, तो सर्च इन डिस्क्रिप्शन, सर्च इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मजीद इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है। आपको कस्टम फील्ड भी एड करनी है, वो प्रो वर्जन के अंदर होगा, पी फ्री वर्जन प्लगइन है, ठीक है। वो आप बाय करना हो बाय करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एनालिटिक्स ये शो एडवांस सेटिंग इनेबल कर लिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। ये इनेबल करना हो कर लेना भाई एनालिटिक्स के लिए, या पढ़ लेट हो डॉक्यूमेंटेशन तो इसमें आपको अगर ये चेक लगाना हो तो लगा लिया, मैंने फिलहाल नहीं लगाया। और प्लगइन को अपग्रेड करना हो तो ये नई नई इसमें प्रो के अंदर फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आपको परचेज करना हो तो, ठीक है जी। मैं इसको सेव करके अब दिखाते हैं कि ये मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ यहीं से ऐड टू कार्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पर चले जाएगा, ठीक है जी। और मैं इस तरह ये देखिए रिसर्च आ रहा है, इस पर क्लिक हुआ था, क्लियर कर दिया हिस्ट्री मैंने, ये तो बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने सर्च क्या किया था, यूज़र दिखा रहा है, यूज़र ने सर्च क्या किया। अब इस पे अगर मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो यहाँ से ये ऐड टू कार्ट भी हो गया। ये अगर काउंटर लगा हो तो दिख जाता है, काउंटर वाला ऐड टू कार्ट नहीं है, और ये बड़ा वीआईपी है सर्च तो हमारे लिए। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।